दोस्तों एक ऐसी मूवी जिसमें आप एक्शन देखते देखते हो सकता है कि थक जाएं, एक ऐसी मूवी जिसमें एक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रही होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ द शैडो स्टेंस मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी की प्रेजेंटेशन यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लेकिन इस मूवी में आपको छोटे मोटे ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे एजेंसी से जो कि पैसे लेकर लोगों को असैसिनेट करने का काम कर रही होती है। इसी बीच वो अपना पहला मिशन को कंप्लीट तो कर लेती है, लेकिन एजेंट 13 से कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उसकी एजेंसी उसे दूसरा काम नहीं दे रही होती है। इसी बीच वो एक छोटे से बच्चे से मिलती है और उन दोनों में एक अच्छा खासा लगाव भी हो जाता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही पता चलता है कि उस बच्चे की माँ को किसी ने मार दिया है और उस बच्चे को भी किडनैप कर लिया गया है। और उसी दिन से एजेंट 13 किसी भी तरह से उस बच्चे को ढूंढ कर निकालना चाहती है और उसे बचाना चाहती है, और उसे बचाने के लिए वो किन लोगों से पंगा लेती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी की प्रेजेंटेशन दोस्तों ऑसम है, मूवी आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। मूवी की हर एक सीन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी और इसकी एंडिंग कुछ इस तरह की गई है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इसकी पार्ट 2 भी बहुत जल्द रिलीज की जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग जब आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यह पूरी की पूरी मूवी एक्चुअल में जॉन विक की ही पैटर्न पकड़ने वाली है। फाइनली अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.9 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। एक एक्शन मूवी में जितना ज्यादा एक्शन होना चाहिए उससे भी ज्यादा एक्शन आप इस मूवी में एंजॉय करने वाले होते हैं। मूवी आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका नहीं देने वाली होती है। मूवी की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है और मूवी की स्टोरी भी आपको अमेजिंग लगने वाली होगी। एटलीस्ट ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगने वाली होगी एक्शन मूवीज की कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों मूवी देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्शन मूवी के अंधे भक्त हैं तो ये मूवी आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये एक्शन की तरफ से बिल्कुल भी अनसेटिस्फाई नहीं करने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।